जय श्री राधे। आज एक नया विषय लेकर पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और हमारे नाम उपचार चैनल एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विषय है बहुत सी माताओं से जुड़े हुए, बहनों से जुड़े हुए विषय है ये। ऐसी बहनें जो निसंतान होती हैं, संतान प्राप्ति का शास्त्र सम्मत क्या उपाय है? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल वैदिक और शास्त्र परंपरा में, जो हमारे पुराणों में शास्त्र में वर्णन है, मैं केवल वही उपाय बताता हूं। और मेरे उपाय में कोई धन खर्च नहीं होता है, केवल नारायण की शरणागति लेनी होती है, बस। बीच में किसी मीडिएटर की, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा है, करने वाले आप हैं, कृपा करने वाले भगवान, हम केवल बताने वाले हैं। इसमें कोई रुपया पैसा खर्च नहीं करना, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, केवल साधना और नाम जप आप करेंगे और परिणाम आप सबके समक्ष होगा। संतान न हो, इसकी तीन स्थितियां होती हैं, ध्यान दीजिए। कुछ हमारी बहनें वो होती हैं जो विवाह के 10-15 वर्ष हो गए, अभी तक संतान सुख उन्हें नहीं मिला। ये पहला केस है कि हमें बच्चा नहीं हुआ। और दूसरा केस कि बार बार गर्भधारण करती तो हैं किंतु कंसीव नहीं कर पाती हैं, किसी कारणवश दूसरे महीने, पहले महीने, तीसरे महीने किसी न किसी कारणवश वो गर्भ नष्ट हो जाता है, ये सब गर्भपात कहते हैं। और तीसरा केस वो है कुछ परिवारों में केवल बेटियों की लाइन लग जाती है और वो पुत्र की चाह में 2, 3, 4, 5 ऐसे कन्याओं पर कन्या, कन्याओं पर कन्या वो वृद्धि करते जाते हैं। तो पुत्र प्राप्ति का उपाय क्या है? ये तीन अलग अलग मामले, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, जो निसंतान है उन युवतियों को, उन माताओं को, यदि उनकी आयु 50 वर्ष से कम है तो, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना। यदि पत्नी की आयु 50 वर्ष से कम है तो उसे विधि विधान से पयोव्रत करना चाहिए। और ये पयोव्रत श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में 16वें अध्याय में, एक बार पुनः सुन लीजिए, अष्टम स्कंद में 16वें अध्याय में कश्यप ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी अदिति को ये व्रत बताया और माता अदिति ने विधि विधान से इस व्रत को किया। परिणाम स्वरूप भगवान वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, राजा बलि के दरबार जाते हैं, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। बहुत सी भारत में ऐसी मैं माताओं को, बहनों को जानता हूं जिनको ये व्रत मैंने दिया, उन्होंने किया और आज वो संतान सुख से परिपूर्ण है। आप लोग भी कीजिए, थोड़ा है कठिन, विधि आप भागवत में पढ़ लीजिए और नहीं तो पयोव्रत के लिए अलग से एक वीडियो इसके बाद, केवल पयोव्रत ही पयोव्रत हो, उसमें मैं संपूर्ण विधि उस, क्योंकि वो लंबा होगा, कम से कम 8-10 मिनट का वीडियो बनेगा, तो मैं इसमें नहीं बना रहा हूं। आप भागवत स्वयं खरीदिए, स्वयं पढ़िए, स्वयं कीजिए। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाम पयोव्रत, श्रीमद भागवत में लिखा है कि फागुन का महीना अब आने ही वाला है, जब हम होली मनाते हैं तो फागुन के महीने में शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल द्वादशी तक केवल दुग्ध पान करके देसी गाय का, ध्यान दीजिएगा, दुग्ध का मतलब जर्सी और भैंस नहीं, केवल देसी गाय का दुग्ध पान करके माताएं इस व्रत को करती हैं। प्रातः सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी खुले आकाश के नीचे सरोवर में, नदी में, कुआं में स्नान करती हैं। उसके बाद माताएं दिन भर उपवास करती हैं, केवल दुग्ध का पान करती हैं और सवेरे सवेरे क्षमा चावल, व्रत का चावल आता है, क्षमा बोलती हैं, कहीं कहीं श्यामा भी कहती हैं, क्षमा चावल की खीर बनाकर किसी मंदिर में भगवान विष्णु को भोग लगवावें और आधा उसमें से स्वयं पाएं, आधा मंदिर में दान करें किसी ब्राह्मण को। इस प्रकार 12 दिन तक ये व्रत आप करेंगे, विधि विधान से मैं बाद में बताऊंगा। ये प्रथम, ये उन माताओं के लिए जिनको संतान सुख अभी तक नहीं हुआ। नंबर दो, दूसरा केस, उन माताओं के बहनों के जो गर्भधारण करती तो हैं किंतु संरक्षण नहीं कर पाती, किसी कारणवश गर्भ नष्ट हो जाता है, उन माताओं के लिए क्या करना चाहिए? उन माताओं के लिए नाम मैं बोल रहा हूं, आज नोट कर लीजिए, अगर स्पष्ट सुनाई न दे तो मैं नीचे लिख दूंगा। ओम देवकी गर्भ संभूताय नमः, ओम देवकी गर्भ संभूताय नमः, 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 देवकी के गर्भ की रक्षा करने वाली हे नारायण, मेरी मेरे गर्भ की रक्षा करो। इस प्रकार से मैं बार बार कहता हूं, नाम कम से कम 25,000 होना चाहिए,
25,000 बार आप जपेंगे तो ही इस नाम का प्रभाव होगा, अन्यथा नहीं। और ये जो मैं नाम बता रहा हूं, इन नामों की, हजारों नामों की आहुति प्रतिदिन इस निकुंज धाम मेरे निवास स्थान पर अग्निहोत्र के रूप में, हम यज्ञ के रूप में आहुति देते हैं और इन नामों को सिद्ध करते हैं। इसलिए हम आपको ये बताते हैं, एक बार संभव हो तो गुरुमुखी नाम सुनना चाहिए, तो एक बार आप टेलीफोन के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, हम आपको ये नाम बता देंगे। ये दूसरा केस है। और कई बार ऐसा भी होता है ज्योतिष के आधार पर जिनके वंश में पितृ दोष हो, तो इसका एक उपाय यह भी है कि वो या तो गया में जाकर पिंडदान करें अथवा कहीं भी भागवत हो वहां मूल पाठ करा लें अपने परिवार के लिए, तो पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं। ये इसका उपाय। और नंबर तीन, तीसरा, जिनके घर में केवल कन्या ही कन्या हो, केवल बेटियां बेटियां हो, पुत्र ना हो। हमारे सनातन हिंदू परिवार में प्राय कोई भी परिवार हो, सब चाहते हैं कि घर में कुल में एक बेटी हो, तो उनको घर में कुल में एक पुत्र हो, तो कम से कम, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उनके लिए सबसे सरल साधन है, आपको कुछ नहीं करना, वृंदावन जाइए। वृंदावन में एक स्थान है राधा कुंड, श्याम कुंड। राधा कुंड में वर्ष में एक विशेष पर्व है दीपावली से 8 दिन पहले, जिसे हम अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई अष्टमी को अर्धरात्रि 12 बजे बाद वहां स्नान करते हैं, जुगल स्नान, यानी पति पत्नी दोनों एक साथ पूजा करके स्नान करते हैं। राधा रानी से हम लोग अचला प्रसार कर मांगते हैं, हे माँ मेरे वंश की वृद्धि के लिए मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हे किशोरी जी कृपा करो, हे राधा रानी कृपा करो। और इस वर्ष ये 2019 में ये अहोई अष्टमी 22 अक्टूबर की अर्धरात्रि, उस दिन सोमवार पड़ेगा, 22 अक्टूबर को सोमवार को अर्धरात्रि में आप ये स्नान करें और निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय जय श्री राधे।